अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मलिक खालिद है और आप देख रहे हैं टेक मलिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के हवाले से। जी हाँ मेरे भाइयों, आज हम बात करेंगे फैमिली विज़िट वीज़े में तौसीक किस तरीके से हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपनी फैमिली का विज़िट वीज़ा निकलवाते हैं और उसके बाद उसमें तौसीक करवाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करवा सकते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों, अगर आप न्यू आए हैं चैनल पर तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है आप तक जो है टाइम पर पहुंचती रहे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इकामे वगैरह का टैक्स वगैरह चेक करना चाहते हैं या कुछ ऐसा चीज़ चेक करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर क्लिक करके जो अपना मुकम्मल टैक्स वगैरह जो कुछ भी चेक करना चाहें, हरूब या रेड ग्रीन कुछ भी चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों वो भी चेक कर सकते हैं। टाइम में इसके बगैर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लें फैमिली विजिट में वीज़े में जो है तौसीह होगी या नहीं होगी। जी हाँ, हज उम्रे और ट्रांजिट वीज़ों की तंजीम नौ के बाद एक बड़ा सवाल ये सामने आया कि फैमिली विजिट वीज़ा में तौसीह किस तरह होगी। मुताबिक महकमा पास बोर्ड ने फैमिली विजिट वीज़े में तौसीह की शरायत पेश कर दी है। महकमा ने वाजे किया है कि जो लोग फैमिली विजिट वीज़ा में तौसीह करना चाहें इन्हें सबसे पहले तौसीह की फ़ीस जमा कराना होगी। इसकी एक शर्त यह भी है कि वीज़ा होल्डर का पासपोर्ट मौसर हो और तीसरी शर्त यह है कि फैमिली विज़िट वीज़ा कम से कम 7 दिन के लिए मौसर हो। फैमिली विज़िट वीज़ा ख़त्म होने के 3 रोज़ के अंदर भी तौसीह कराई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका फैमिली का जो विज़िट वीज़ा है वो ख़त्म होने वाला है तो उसके 3 रोज़ के अंदर भी आप जो उसकी तौसीह करवा सकते हैं। महकमा पासपोर्ट ने बताया कि फैमिली होल्डर तौसीह की दरख्वास्त देते वक्त सऊदी अरब में मौजूद हो, इसके खिलाफ ट्रैफिक जुर्माने का रिकॉर्ड साफ हो। फैमिली विजिट वीज़ा में तौसीह की एक शर्त यह है कि तौसीह के बाद वीज़े की मजमूई मुदत सऊदी अरब आन के बाद से 180 दिन से ज़्यादा ना हो रही हो, इसके बाद तौसीह नहीं होगी। वाज़ह रहे कि फैमिली विजिट वीज़ा में तौसीह के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी लाजमी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपनी फैमिली के विजिट वीज़ा में तौसीह कराना चाहते हैं तो आपका जो है हेल्थ इंश्योरेंस होना लाजमी है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मेरे भाइयों, अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।